हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है वैलेंटाइन स्पेशल पिनाटा हैमर केक विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड चॉकलेट्स। इसके लिए हमें लगेगा वाइट चॉकलेट कंपाउंड 400 ग्राम्स, स्ट्रॉबेरीज हाफ kg के करीब। इसके अलावा लगेंगे कुछ रेजन्स या आलमंड, जो भी आपके पास अवेलेबल या कोई और ड्राई फ्रूट हो वो चलेगा। ऑयल कैंडी कलर, इसके अलावा लस्टर्ड डस्ट। डेकोरेट करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं अलग अलग कलर्स के स्प्रिंकल्स, सिल्वर, वाइट, पिंक। पिनाटा चॉकलेट के अंदर फिल करने के लिए चॉकलेट्स और मार्शमेलोज डेकोरेट करने के लिए। इनके अलावा हमें लगेगी कुछ मोल्ड्स, हैमर और साथ में कुछ रैपिंग पेपर्स। अगर आप कोई बॉक्स यूज़ करना चाहें तो आप बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। पार्चमेंट पेपर्स ताकि चॉकलेट स्टिक ना हो ट्रे में या प्लेट में, जिसमें भी आप बनाएंगे। वाइट चॉकलेट कंपाउंड को मैंने डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। उसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा पिंक कलर। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके डालेंगे हमारे हार्ट वाले मोल्ड में। इसमें पूरी तरह एक अच्छा लेयर लग जाना चाहिए चॉकलेट का, सारे एजेस में, सारे कॉर्नर्स में। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने इसे थोड़ा सा घुमा घुमा के इसके पूरे एजेस तक के एक लेयर कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि रीचेबल नहीं है तो आप स्पून से या स्पैचुला यूज़ करके वो कॉर्नर्स को फिल कर सकते हैं। जो एक्सेस चॉकलेट है मोल्ड में उसे बोल में वापस से पलट के निकाल देंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें हम सेकेंड लेयर लगाएंगे एग्जैक्टली उसी तरह, लेकिन ये मोल्ड ऑलरेडी काफ़ी ठंडा है तो चॉकलेट जल्दी जल्दी ठंडी होने लगेगी। तो स्पैचुला की हेल्प से इसके कॉर्नर्स में पूरा चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे और कॉर्नर्स में स्पेशली ध्यान देंगे ताकि वो ब्रेक ना हो जब हम इसे डीमोल्ड करें। इसमें से भी एक्सेस चॉकलेट जो है आपको उसे बोल में निकाल लेना है और ये जाएगा फ्रिज के अंदर फिर से सेट होने के लिए। इसकी कॉर्नर्स को पहले हल्के हाथ से लूज करेंगे और फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। जब ये सब तरफ से लूज़ हो जाए उसके बाद इसे पलट के इसे डीमोल्ड करेंगे। बहुत पेशेंस के साथ और जेंटली इसे आप रिमूव करिए। ये आप देखेंगे साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ निकला है, लेकिन इट्स ओके। आप चाहे तो इसे फिर से मोल्ड में डाल के साइड में थोड़ी सी चॉकलेट लगा के फिर से डीमोल्ड कीजिए। पिनाटा हार्ट को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर कलर का लस्टर डस्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसे डिज़ोल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा वोडका यूज़ किया है। एक थिक पेस्ट या एक पेंट की कंसिस्टेंसी आ जाए आपको उतना ही वोडका यूज़ करना है। इसे और डेकोरेट करने के लिए जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट चॉकलेट ड्रिजल किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा पिंक कलर का और सिल्वर कलर के जो स्प्रिंकल्स हैं वो डाल देंगे तो इससे और ब्यूटीफुल लगेगा। इसे सेट करने के लिए रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए। तब तक हम बनाते हैं अपने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, पूरी तरह ड्राई कर लिया है और इसे अब हम चॉकलेट में डिप करेंगे। चॉकलेट में डिप करने से पहले मैंने इसमें टूथपिक लगा के इसके जो भी लीव्स है उसे पीछे की तरफ पकड़ के इसे चॉकलेट में डिप किया है। जो एक्सेस चॉकलेट है आपको इसे निकालना है। तो कुछ इस तरह मैंने इसका एक्सेस चॉकलेट निकाल लिया है और इसे रखेंगे पार्चमेंट पेपर में और इसके ऊपर मैं रिजल करने वाली हूँ थोड़े से स्प्रिंकल्स। करीबन 4 टाइप के स्प्रिंकल्स मैं यूज़ करने वाली हूँ अलग अलग कलर्स और साइज़ में, ताकि थोड़े से और ज़्यादा डेकोरेटिव लगे। और जो इसमें मैंने टूथपिक डाली थी वो मैंने निकाल ली है। और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने चॉकलेट में डिप करने के बाद कंटेनर में डिप किया है जिसमें स्प्रिंकल्स थे, तो कुछ इस तरह दिखेगा। और बस इसी तरह मैंने अपने सारी स्ट्रॉबेरीज़ को डेकोरेट कर दिया है। इन्हें फ्रिज में सेट करना है करीबन 10 मिनट। तो पेपर लाइनर्स में मैंने इसे असेंबल कर दिया है। एक लाइनर में मैंने करीबन 3 स्ट्रॉबेरीज डाली है। अब बनाने वाली हूँ मैं रेजिन चॉकलेट्स। आप चाहे तो बादाम यूज़ करिए, काजू यूज़ करिए, पिस्ता यूज़ करिए, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक मोल्ड में मेल्टेड चॉकलेट डाला है। चॉकलेट को थोड़ा सा मैंने ब्राइट शेड देने के लिए थोड़ा सा और कलर मिक्स कर लिया था, और उसके पीछे मैंने रखा है किशमिश, और उसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगाया है चॉकलेट का। इसे टैप करने के बाद इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे स्पैचुला से। जो एक्सेस चॉकलेट है इसे मैं रिमूव कर दूंगी, और उसके बाद इसे फ्रिज में सेट करने रखेंगे। ये करीबन 10 मिनट में पूरी तरह सेट हो जाएगा, और सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल है, फ्लावर्स वाले, हार्ट, या जो भी आपके पास अलग शेप्स एंड डिज़ाइंस के, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। इसे मैं रैप करने वाली हूँ पिंक कलर के पेपर से, जो कि एक फॉयल पेपर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में चॉकलेट रैपिंग के लिए, तो वो यूज़ करके इसे रैप करेंगे। ये बहुत इजीली रैप हो जाता है और ये बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। अब बारी आती है इसे असेंबल करने की। तो मैंने इसे चॉकलेट्स को जो अलग से मैंने लेके रखी थी वो रखा है, और उसके ऊपर रखेंगे पिनाटा। जहाँ मैंने ये रेडीमेड चॉकलेट्स रखी है, आप चाहे तो ये स्ट्रॉबेरीज़ भी रख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ गिफ्ट भी रख सकते हैं चॉकलेट्स के साथ, या फिर आप कोई केक भी रख सकते हैं। जो मर्ज़ी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होके जो मर्ज़ी आपको ठीक लगे वो आप करिए। तो ये कर ली मैंने अरेंज अपनी स्ट्रॉबेरीज़। इसे मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड में मूव कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो हैमर है उसे राइट साइड में रखना है। उसके पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ मैशमेलोस और जो चॉकलेट्स जो मैंने बनाई थी। मैशमेलोस और चॉकलेट्स मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ, और इसके ऊपर रखेंगे हमारा हैमर, जो ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। हैमर को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने इसे सैटिन की एक लेस से मैंने इसमें टाई किया है। अगर आप इसे पैक करना चाहें तो इसके लिए बॉक्सेस मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो उसे सेपरेटली डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो हमारा वैलेंटाइंस डे स्पेशल पिनाटा केक बिल्कुल रेडी है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए और अपने किसी फैमिली या किसी स्पेशल पर्सन को सरप्राइज़ कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।